राम में हुआ जनपद आयोजित हुए विविध कार्यक्रम। जिलाधिकारी ने पैक्योली मंदिर स्थित सरोवर पर किया दीपदान। कलेक्टरेट में आयोजित हुआ सुंदरकांड का पाठ। अयोध्या में आयोजित भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के उपलक्ष्य में जनपद में भी हर्षोल्लास का वातावरण रहा। विभिन्न मंदिरों में सुंदरकांड पाठ, अखंड रामायण, भजन कीर्तन आयोजित हुए। जिलाधिकारी अखंड प्रताप सिंह ने भी आज विभिन्न मंदिरों का भ्रमण कर आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रमों में प्रतिभाग किया। आज अपराह्न जिलाधिकारी सर्वप्रथम बरहज तहसील स्थित ग्राम टीकर पहुंचे, जहां राम जानकी मंदिर में श्री राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम आयोजित हुआ। जिलाधिकारी ने पूरे विधि विधान के साथ पूजन अर्चन कर कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने कहा कि आज अयोध्या में भगवान राम की पुनर्प्रतिष्ठा होने से पूरा विश्व आह्लादित है। ये सुखद संयोग है कि इस अवसर पर जनपद के बरहज तहसील स्थित ग्राम पंचायत टीकर में स्थित राम जानकी मंदिर में भी श्री राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा हुई है। ये टीकर ग्राम के लिए गौरवपूर्ण क्षण है। यह मंदिर क्षेत्र में समृद्धि लाएगा। इसके पश्चात जिलाधिकारी पैक्योली मंदिर भी गए और वहां स्थित सरोवर पर दीपदान किया। इसके पश्चात उन्होंने मंदिर में पूरे विधि विधान से पूजन किया। इससे पूर्व जिलाधिकारी आवास पर सुंदरकांड पाठ का भी आयोजन हुआ। कलेक्टरेट में आयोजित हुआ सुंदरकांड पाठ। कलेक्टरेट में सुंदरकांड पाठ का आयोजन हुआ, जिसमें एडीएम प्रशासन गौरव श्रीवास्तव, एडीएम वित्त एवं राजस्व अरुण कुमार राय सहित समस्त कलेक्टरेट कार्मिकों प्रतिभाग किया। ऑल इंडिया न्यूज 24x7 के लिए देवरिया से रवि प्रकाश की रिपोर्ट। भगवान राम का प्राण प्रतिष्ठा हुआ, उसी दौरान ग्राम सभा में मंदिर में भगवान राम का प्रतिष्ठा। आज देखिए पूरा विश्व जो है आह्लादित है। अयोध्या में भगवान रामचंद्र जी की जो है पुनः प्राण प्रतिष्ठा हुई है, उसी अवसर पर ये परम सौभाग्य है कि देवरिया के बरहज में ग्राम टीकर में भी राम जानकी मंदिर में भगवान की प्राण प्रतिष्ठा हुई है। तो अपने आप में अगर ये देखा जाए तो शताब्दियों का जो गौरव क्षण अयोध्या के लिए आया है, वही क्षण ये टीकर ग्राम सभा के लिए भी आया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये मंदिर इस क्षेत्र की समृद्धि का प्रतीक बनेगा। जैसे अयोध्या का राम मंदिर भारत की आध्यात्मिक और उसकी सांस्कृतिक और आर्थिक संस्कृति का अभ्युदय का प्रतीक बनने जा रहा है, वही टीकर और देवरिया के लिए ये मंदिर बनेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।